चाहिए? आ जाओ, सुने आप अंदर रख दीजिए। ये सब कैसे लेके आई हो तुम? तुम वो सब छोड़ो और तुम अपना काम शुरू करो और मेरे साथ बैठो आके। मैं जानती हूँ कि मामा ने बाबा से चुपके दिया होगा ना ये सब। पता नहीं बाबा मामा को क्या कहेंगे यार। तुम्हें पता आंटी ने मुझे क्या बोला? क्या? आंटी कह रही थी कि तुम शिफा से कहना कि वो बिल्कुल अकेली नहीं है, मामा उनके साथ हमेशा हर तूफान में खड़े भी हैं। और जहां तक बात तुम्हारे बाबा की है तो वो आंटी तो कह रही थी कि उनका गुस्सा सिर्फ कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी गुस्सा है, वो ठीक हो जाएंगे। कोई इतना देर थोड़ी ना सैड रह सकता है अपनी औलाद से। इधर देखो तुम रो रही हो, क्या हो गया है? देखो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सुने मेरी बात, गाड़ी में वो पड़ी हुई है शॉपर्स, वो आप ऊपर ले आइए, ठीक है? थैंक यू। नहीं बात सुनो, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, मुझे चाय तो पिला दो। हाँ उफ़ो यार पत्ती नहीं है, चलो चल के हम ग्रॉसरी करते हैं कुछ। अच्छा चलो अभी बैठी रहो, आंटी ने इतना सारा सामान भेजा उसके अंदर ग्रॉसरी भी है, तो तुम्हारी घर बैठे बिठाए ग्रॉसरी हो चुकी है। नहीं नहीं शर, तुम्हें वहाँ का अंदाजा नहीं है क्या? उसे पता चलेगा ना तो मुझे कच्चा खा जाएगा। तुम ऐसा करो कि वो तुम सामान किसी और को दे देना। चलो ना हम चाह के ले आते हैं, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। लेट्स गो, लेट्स गो। बैठो बात सुनो, ये जो आंटी ने छोटा मोटा सा सामान भेजा है ना, ये उनका प्यार दिखाने का तरीका है। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है वो तुम्हें इस तरह दिखा रही है, और तुम इस तरह करोगी अब वहाज के डर से कि उसे बुरा लगेगा, उसके ईगो पे आ जाएगा, तो तुम इस तरह नहीं करना चाहिए ना। ये तो तुम्हारा हक है कि तुम किस तरीके से चीजें ठीक करो, इन नफरतों को मोहब्बतों में कैसे बदलो, ये तुम्हें करना चाहिए। अभी तुम किस तरह करोगी कैसे करोगी, पर करना तुम्हें है, तुम समझ रही हो? अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम बैठो। हेलो वहाज, बेटा मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठाते हो? आई एम रियली सॉरी, मैं एक साइट विजिट करने के लिए गया हुआ था अपने ऑफिस के लिए, इस वजह से। आप बताइए क्या हुआ? क्या मतलब, मैं समझी नहीं, ऑफिस के लिए साइट विजिट कर रहे हो? क्या हुआ है, बाबा ने कुछ कहा है क्या? मॉम अब कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। मैं अब बाबा के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। मुझे अपना ऑफिस अलग करना ही होगा। ये बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए दूसरी किसी बिल्डिंग में ऑफिस बना होगा। लेकिन वहाज बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, बाबा अकेले रह जाएंगे ना? उनकी बीवी बनकर सोच रही हैं आप, इसलिए आपको उनका अकेलापन नजर आ रहा है। मेरी मां बनकर सोचेंगी तो मेरा अकेलापन भी नजर आएगा। मुझे तुम्हारे दर्द और तकलीफ का पूरा एहसास है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसे हालात में तुम कभी भी अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ोगे। जो बाप अपनी औलाद से नजरें फेर ले उसे मुश्किल में डाल दे, आपको वो नजर नहीं आ रही? आप बहुत भोली हैं मॉम। देखो आज तुम्हें पता है कि महक और महमूद परीक्षा को तैयार करेंगे, वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। और अगर वरीशा तैयार हो गई ना तो तुम्हारे बाबा ने एक मिनट नहीं लगाना उसे ऑफिस ले जाने में। फिर तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट होना होगा।
क्योंकि मैं वरीशा का वजूद अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाज बेटा, ये वक्त नहीं है जज्बाती होने का। समझदारी से काम लो, सबर और तहमल से। समझदारी और तहमल का वक्त गुजर गया, मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता है। इसे गुजारने के लिए मेरी सारी समझदारी सिर्फ हो जाती है। जानती हूं मैं, लेकिन तुम्हें पता है अगर वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया ना, तो समझ लो कि महमूद का भी ऑफिस के मामलात में शामिल हो जाना है। और तुम्हारे बाबा, उनका जो ये गिल्ट है ना, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो वरीशा को अपने भाई की औलाद समझ के ना उस पर जान देने को तैयार है। वो ये नहीं जानते कि वरीशा महमूद और महक की औलाद है। सिर्फ महक ने तो रजा की परछाई तक नहीं डलने दी उस पर। I'm sorry mom, मेरे लिए सब बहुत मुश्किल। इस वक्त यहां से चले जाने में ही मेरे लिए बेहतरी। अल्लाह हाफिज। वहाज, हेलो वहाज, कैसे समझाऊं इस लड़के को? अरे समझते क्या हो कि ये सब करने के बाद तुम इस घर में रहो? अपनी बीवी को लो और दबा जाओ यहां से। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर कल को मैं मर गया तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना तुम। दबाओ जाओ यहां से। क्या करें मुख्तारा? चुप। जवान बच्चे कहां जाएंगे? बहू है आपकी, बेटी इस घर की। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज बड़े बाबा, बड़ी मामा, आप प्लीज हमारी बात तो सुनो। प्लीज बड़ी मामा, इस घर की किसी चीज, किसी रिश्ते से तुम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ यहां से। क्या कह रहे हैं आप? अरे बाबा, आपने कोई जुर्म नहीं किया। आप अपनी बेटी को दर पदर मत कर। एक्चुअली सर, मुख्तार साहब ने अपनी कंपनी के सारे शेयर हमारी कंपनी से निकाल दिए हैं, और ऊपर से ये खबर मार्केट में फैल रही है कि आपसे उन्होंने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? ये देखें नोटिफिकेशन। सर हमारे कस्टमर्स कंफ्यूज हैं कि वो हमारे साथ काम करें या ना करें।